हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई वेलकम यू ऑल इन आवर एनिमल न्यूज सीरीज एपिसोड 7। सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे दबाएं और बेल आइकन भी होगा उसे भी रिंग करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन वीडियोस की आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमारे चैनल पे कई सारी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलेगी आपको, जैसे कि डॉग्स की ब्रीड्स की इंफॉर्मेशन और एनिमल न्यूज सीरीज जो कि आप देख रहे हो। और हमारे चैनल पे व्लॉग्स भी आते हैं और लाइव मेरे पास जो पेट्स है मैं वो दिखाऊंगा आपको और उनको दिखा के ट्रेन करूंगा या गाइड करता हूं कि किस तरीके से आपने अपना पेट रखना चाहिए। तो सबसे पहले और सबसे जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब स्टार्ट करते हैं हमारी न्यूज एनिमल न्यूज सीरीज एपिसोड 7। अब बात करते हैं फर्स्ट न्यूज की। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, गवर्नमेंट ने सुविधा दे दी है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि आप अपने पेट्स को ट्रेन ट्रेवल करवा सकते हो। लॉकडाउन में जिन जिन लोगों के पेट्स दूर रह गए थे, अब उनको फैसिलिटी मिल गई है कि वो अपने पेट्स को अपने पास ला सके। जो अपनी रेलवे है, रेलवे के अंदर एक एक्सप्रेस रेलवे जो होती है, ट्रेन होती है, उसके अंदर एक एसी कोच में एक एक्स्ट्रा सुविधा, एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी ऐड करी है। उसमें एसी कोच में जो पेट बॉक्स है वो अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, उसके अंदर जो आप अपने पेट्स को रख के ला सकते हो। और इसकी टिकट जो होगी वो आपके पेट के वेट के हिसाब से होगी कि जितना वेट आपके पेट का होगा उसके रेशियो में इसकी टिकट बढ़ती जाएगी या कम होगी, जैसे भी आपका पेट का वेट होगा। अब बात करते हैं सेकंड न्यूज की। पिछले हफ्ते PIL डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि जो एनिमल क्रुएल्टी और वॉयलेंस का जो केस होता है उसमें सिर्फ ₹50 देंगे, सिर्फ ₹50 देंगे आप बेल आउट हो सकते हो। तो ये कितनी अमाउंट है, सिर्फ ₹50 देकर बेल आउट हो सकते हो आप एनिमल क्रुएल्टी या वॉयलेंस के किसी केस में। हमारे देश पे जहां सिर्फ मीट को देख के लोगों को पीट दिया जाता है ये सोच के कि वो काओ मीट है, उस देश में एनिमल वॉयलेंस और क्रुएल्टी के जो केसेस है उनमें सिर्फ इतनी कम अमाउंट में बेल दे दी जाती है। तो इसके ऊपर PIL डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये चीज चेंज होनी ही होनी चाहिए। अब आगे हम इस चीज पे, इस न्यूज पे नजर रखेंगे, जो चीज अपडेट होगी वो हम आपको बता देंगे। अब बात करते हैं न्यूज थर्ड की। इंडियन फार्माकोपोया कमीशन, जो एक ऑटोनोमस पार्ट है एनिमल वेलफेयर सोसाइटी का, उन्होंने एक रिमार्केबल डिसीजन लिया है। उन्होंने ये कहा है कि अब से जो एनिमल्स के ऊपर ट्रायल्स होता था जो ह्यूमन वैक्सीन बनाने के लिए, उनको बैन कर दिया गया है कि एनिमल्स के ऊपर अब कोई ट्रायल नहीं होगा। हम बचपन में साइंस की बुक्स में पढ़ते थे कि जो ये ट्रायल होते हैं किसी भी वैक्सीन का, वो रैट्स के ऊपर होता है या फिर जैसे मोंकीज के ऊपर या गिनी पिग्स के ऊपर या अदर एनिमल्स, तो अब वो सारी चीजें बैन हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है और एक अच्छाई की तरफ एक जाने वाला एक डिसीजन है। अब बात करते हैं न्यूज फोर्थ की। हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट की बात ही नहीं करी जाती, हमारे मीडिया भी बात नहीं करना चाहता नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। असम फ्लड्स जो है वो हर साल इतनी ज्यादा तबाही मचाते हैं वहां पे, तो जो वहां की वाइल्ड लाइफ है, हम सिर्फ वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, वहां की जो वाइल्ड लाइफ है वो इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है हर साल। इस साल भी कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिला है कि जो एनिमल्स हैं वो अपना घर छोड़ के मीलों तक चलने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि वहां के जो उनका इकोसिस्टम है जहां पे वो रहते थे वहां पे फ्लड आ चुके हैं, तो उनको अपने घर छोड़ के बहुत दूरों तक मीलों तक चलना पड़ा है। उनको कई फ्लड्स में मर चुके हैं, डूब के मर चुके हैं। तो हमारी ना तो हमारी गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान दे रही है और ना हमारे मीडिया चैनल है इस चीज को कवर करने में, मतलब कवर नहीं कर रहे हैं वो, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा पार्ट जो वाइल्ड लाइफ का पार्ट है वो नॉर्थ ईस्ट में रहता है, तो इस चीज पे हमारी गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। और तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट से कि आप प्लीज इस तरफ ध्यान दें। एक वाइल्ड लाइफ जो है ये हमारे देश का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप सबको कैसा लगता है ये, मेरे आप विचारों के साथ सहमत हो या नहीं हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। जितने मैंने न्यूज के पॉइंट्स बताए हैं, 4 न्यूज बताई है, उनमें आप एग्री हो डिसएग्री हो जो भी हो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।